we'll be studying akbar's religious policy akbar's religious policy akbar was a fascinating man as we have all heard about it despite the fact that he was illiterate it was one person who was very curious by nature as it has been passed down to us about his personality keeping that in mind when we talk about akbar one of his very curiosity wala area was religious discussions जो रिलीजियस टेक्ट को इंटरप्रेट करते हैं मुस्लिम के लिए क्या बोलते थे अपन इनको ओलेमा और इस्लामिक लॉ को क्या बोलते हैं शरिया।, शरिया तो अकबर की अगर बात करी जाए तो इनसे तो इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है हम लोग देखते हैं दैट अकबर आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम एन हीट बिकम द किंग He decided to start his own religion. He literally started his own religion, which is known as Tawheed e Ilahi, or it is also known as Dine Ilahi. -e now, the best part of starting this religion, students, was that it was only joined by the Navratans of Akbar. I mean, like, if you try and imagine, uh, we go back in time. एंड जैसे आज हम मोदी का डिस्कशन करते वैसे ही नॉर्मल लोग अकबर का भी करते ही होंगे तो मान लीजिए जब उसने ये लॉन्च किया होगा तो जो लोकल पॉपुलेशन है वो क्या बात कर रही होगी लेट्स इमेजिन दैट इफ वी टॉक अबाउट दिस हमारे पास में बैठे हैं लोग बोल रहे हैं भाई जो राजा जी हैं उन्होंने क्या किया है उन्होंने नया रिलीजन शुरू कर दिया है किस बात का रिलीजन है नो no आइडिया कोई स्क्रिप्चर्स हैं नो आइडिया

रिलीजियस पॉलिसी के तहत एक चीज तो ये स्टार्ट करी थी विच टर्न आउट टू बीप्लीट फेलियर हाउ एवर स्टूडेंट यूलियर अकबर ने फतेहपुर सीकरी वी हैव फतेहपुर सीकरी कहाँ है भैया यूपी आगरा एंड फतेहपुर सीकरी इकट्ठे नाम आता है इसका ठीक है घूमने जाते हैं आगरा जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी जा रहे हैं तो फतेहपुर सीकरी स्मॉल सिटी विच वॉज क्रिएटेड बाई अकबर

किसी जैन मंक को बुला लिया किसी बुद्धिस्ट मंक को बुला लिया इस तरह से ये इबादत खाना के अंदर डिस्कशन किया करते थे अनफॉर्चुनेटली अगर आप रिलीजियस डिस्कशन की बात करें तो उसका माइंड क्या था कि हमारे फ्रूटफुल डिस्कशन होंगे जिससे हम लोग अच्छे पॉइंट निकालेंगे एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई इन अवर लाइफ बट एवरी डिस्कशन एट इबादत खाना एंडेड अप इन फाइट ब्राह्मण बोले मैं सुपीरियर ठीक है अगर हमारे पास में कोई इस्लामिक रिलीजियस अथॉरिटी बैठे वो बोले मैं सुपीरियर क्रिस्टियस बोले मैं सुपीरियर एंड एंड एज अ अ रिजल्ट अकबर गॉट फ्रस्ट्रेटेड हिमसेल्फ आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम ही डिसाइडेड टू क्लोज द इबादत खाना तो रिलीजियस पॉलिसी uh, की अगर अपन बात करेंसन इज वन पर्सन वेरी क्यूरियस अबाउट ईच एंड एवरी रिलीजन एज अ रिजल्ट वन डे ही स्टार्टेड इज ओन रिलीजन विच इज नॉट रियली सक्सेसफुल Apart from that, we have the concept of ibadat khana, which is dearly associated with the religious policy of Akbar. Apart from that, students, you will see when we talk about ibadat khana, there is a critique of Akbar in his own court, जो कि secrecy में उनके बारे में बुरा-बुरा लिखा करते थे. उनका नाम क्या है? उनका नाम है बदायूनी. अकबर की रेन के हमारे पास दो राइटर हैं हु इंपॉर्टेंट वन इज अबुलजल कोर्ट हिस्टोरियन वो उनके बारे में अच्छा ही लिखेंगे उसके अलावा हमारे पास एक और राइटर है जो अकबर के शार्प क्रिटिक थे और उनका नाम था बदायूनी बदायूनी जो है उनकी किताब का नाम है मुंतखाब तवारिक ठीक है तो जो इनकी किताब है उसके अंदर इन्होंने अकबर की पॉलिसीज को सीवियरली क्रिटिसाइज किया है कारण ये है

तो बधाय नहीं हमें बताते हैं कि अकबर जो है इबादत खाना के अंदर बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया करते थे फॉर इंस्टेंस हमारे पास में ब्राह्मण में जा रहे हैं पुरुषोत्तम दास उसके अलावा हमारे पास में देर आर टू जेजुइट प्रीस्ट दर आर टू ने. ने कहाजा इबादत खाना में भेजा टू होल्ड रिलीजियस डिस्कशन एंड द टू पीपल दट कम हियर आर फादर अक्वेबिया एंड मोन्सराटे ये कौन है भाई अकबर खुद इन्वाइट करता है हमारे पास में रिलीजियस गुरुज आ रहे हैं इसमें हमारे पास पुरुषोत्तम दास हो गए उसके अलावा अक्वेविया हो गए मोनसराटे हो गए दे आर ऑल कमिंग फॉर रिलीजियस डिस्कशन तो रिलीजियस पॉलिसी के तहत मुझे तीन चार बातें पता चल चुकी है इज नॉट एन ऑर्थोडॉक्स गाय इज नॉट द ट्रेडिशनल गाय हु इज फॉलोइंग द द्स ऑफ इस्लाम इनफैक्ट ही इज वन पर्सन हु इज ऑलवेज फाइटिंग विद द विद्योलॉजियंस डिस्पाइट दैट वॉट एवर इनोवेशन ही मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज ओन रिलीजियस पॉलिसी टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर wherein there were no major followers of tauhid ilahi moreover even the ibadat khana was closed after a certain point of time can i ask you a question something on the lines that do you think the religious policies of akbar on one hand made the rajputs come closer to him but on the other hand alienated the muslim theologians yes and if i ask you to substantiate it all of these points will be required टर्ड्स द राजपूत राजपूत की अगर बात करी जाए हम लोग देख रहे हैं कि भाई इन्होंने मेट्रीमोनियल अलायंसेज रजिस्टर किया आपस के बीच में इसके अलावा हम देख रहे हैं दस अ लॉट ऑफ लैंड विच इज गिवन इन देशम ऑफ जागीरस टू दी राजपूत मोर ओवर स्टूडेंट यू विल सी टू अपीज द राजपूत अकबर ऑल्सो अबोलिश जजिया जजिया क्या होता है प्रोटेक्शन टैक्स जो जजिया देते हैं उनको बोलते क्या है हम जिमीज बोलते हैं पहले ये कौन से टैक्स का पार्ट था लैंड रेवेन्यू का पार्ट था इसको लैंड रेवेन्यू सेपरेट किसने किया फिरोशा तुगलक ने किया और इसको ब्राह्मण्स पे किसने लेवी किया फिरोशा तुगलक ने किया ही ऑल्सो डिड दिस टू अपीज दॉजियंस

इबादत खाना के अलावा रिमूवल ऑफ तो करते, करते थे और उसके अलावा एक जने जो एक तरह से प्रेशर ग्रुप है जैसे आज सरकार पे मीडिया होती है ना उसी तरह से राजा के ऊपर थियोलॉजियंस हुआ करते थे इनको तो ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में रखने में बिलीव करता था कैसे हम देखते हैं एक बार अकबर और जो उलेमा है उनके बीच में किसी पर्टिकुलर इस्लामिक लॉ के इंटरप्रिटेशन को लेकर झगड़ा हो गया एंग्री एंड ही रिलीजियस डिक्री विच इज नोन एज मेहजर नामा यह क्या है एक रिलीजियस फरमान इशू किया था अकबर ने जहां पर उसने साफ साफ कह दिया कि अगर मेरा थियोलॉजियंस का इस्लामिक लॉ के इंटरप्रिटेशन को लेके झगड़ा होता है then my word will prevail at the end of the day because i am the king all of these points are clearly pointing towards the fact that he is one person who is not at all dominated by the theologians to yahan pe religious policy ki agar apan baat kare to akbar ka ekdam opposite kar doge the to aurangzeb ho jayega इन्होंने राजपूत को अपीज किया और थियोलॉजियंस को कंट्रोल में रखा औरंगजेब ऑपोजिट करेंगे वो थियोलॉजियंस को अपीज करेंगे और जो हिंदू है उसको जो है थोड़ा सा एलियनेट करना शुरू कर देंगे क्विकली right? लिखेंगे इन चार पॉइंट्स को वैसे तो देखिए इन सब चीजों के ऊपर कभी क्वेश्चन आए नहीं है लेकिन अकबर रिलीजियस पॉलिसी पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर सो दिस इज समथिंग अप वैसे मुगल इंडिया के अंदर आए नहीं है क्वेश्चंस रेयरली कभी क्वेश्चंस आए लिखिए अकबर स्टार्टेड हिज ओन रिलीजन कॉल्ड तोहिद इलाही और दीन इलाही विच रेस्टेड ऑन दसेप्ट ऑफ सुलेह कुल दैट इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड इसी में लिखेंगे हाउ इट डिड नॉट बिकम वेरी पॉपुलर नेक्स्ट टू अपीज द राजपूत अकबर अबॉलिस्ड जजिया इन ऐसे लिखेंगे अकबर अबॉलिस्ड जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स अकबर अबॉलिस्ड जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स

ईरान की साइड से है कल भी हम लोग ने डिस्कशन किया था अबाउट ईरान सिमिलैरिटी ऑफ कल्चर सो ही एंड द सेंट टू पोर्टुगीज प्रीस्ट अक्वेविया एंड मोन्सराटे टू होल्ड रिलीजियस डिस्कशंस नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ एवर ड्यू टू कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस इबादत खाना वॉज क्लोज इन फिफ्टीन एटी टू लिखेंगे। 1580 अकबर फाइट ब्रोक आउट बिटवीन हिम एंड द काजीज अकॉर्डिंग टू इट इफ देर वाज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द किंग एंड द काजीज द वर्ड ऑफ द किंग विल प्रिवेल सारे पॉइंट्स हो गए इबादत खाना इज डन मेजरनामा इज डन इबादत खाना वॉज बिल्ट एट फतेहपुर सीकरी जहां भी आपने इबादत खाना का पॉइंट लिखा है ही स्टार्टेड इबादत खाना ना उसके आगे लिख लें एट फतेहपुर सीकरी